नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ अनीशा। नगर पालिका परिषद सीधी के अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। आज टिकट वितरण को लेकर हुई बैठक के बाद सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल ने कहा कि ओबीसी महिला वर्ग के लिए सीट आरक्षित होने से सीधी को धन बल से मुक्ति मिल गई है। सीधी नगर पालिका परिषद में इन दिनों पार्षद को लेकर, अध्यक्ष को लेकर तरह तरह की बातों की अफवाहों के बाजार गर्म है और कहीं ना कहीं इसको लेके अधिकारी तो परेशान ही, राजनेता भी परेशान होते रहते हैं। आज हम सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला से इस मामले में रूबरू होते हैं। इस पूरे मामले में क्या सच्चाई है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेके? इस पूरे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हैरत अंगेज हो, आश्चर्यजनक हो। इसमें यह बात पहले से तय थी कि सीधी नगर पालिका परिषद, चुरहट नगर परिषद जिन वर्गों के लिए आरक्षित थी वो संख्या से ही थी और उसके बाद जो सूची निकली थी आरक्षण की उसमें इनका नाम नहीं था, तो लोगों ने उसका दूसरा लगा लिया कि ये जनरल की हो गई हूँ। कुछ भी नया नहीं है, जो भी है सब पुराना है और अधिकारी लोग कोई परेशान नहीं है क्योंकि अधिकृत चैनल पर उनको सूचना भी आ चुकी है। सब लोग सूचित हैं और अधिकारी अपने आप पर दुरुस्त हैं। तो क्या माने कि आने वाला समय यूबीसी महिला के लिए ही अध्यक्ष होगा? निश्चित हो गया आई है। चक्र को कैसे शिथिल करेंगे? हाँ, ये एक बात सही थी कि सीधी में समय इस बार पहली बार एक जाल फैलाया गया था, दुष्चक्र चलाया गया था। एक परिवार विशेष के लोग विभिन्न वार्डों से टिकट मांग रहे थे, भाजपा से, कांग्रेस से, कहीं से भी वे सामान्य वार्डों में कब्जा कर रहे थे और दूर दूर से आकर के अपने दूसरे वार्डों में लड़ना चाहते थे। धन बल का नंगा नाच होने वाला था और वह दुष्चक्र अपने आप टूट गया है इस बात का को कुहासा छटने के बाद कि सीधी की सीट पिछड़ा वर्ग को महिला आरक्षित। पार्षद को लेके भी आप लोग परेशान होंगे, इस समय बहुत सारे लोग कैंडिडेट आते होंगे और सीधी की राजनीति में कुछ लोग अभी उनका आज तक आज़ादी के इतने दिनों बाद भी उनके मन का यह भ्रम नहीं दूर हुआ है कि इस समय आज़ादी है। आपके शहर सीधी में एसडी डेंटल हॉस्पिटल की नई सौगात, नए कलेवर नई तकनीक के साथ अब आपके शहर सीधी में खुल गया दांतों का नया अस्पताल। जी हां, जगह नई, ट्रीटमेंट वही, डॉक्टर वही। स्टेट बैंक के पास वाला डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर पंकज अग्रवानी अब मिलेंगे गुरुद्वारा के ठीक सामने सीधी के सराफा बाजार में। सीधी जिले में चुनाव को लेकर जहां विभिन्न माध्यमों से लोग प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं जिले के एक युवा कलाकार संदीप तिवारी द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान पर आधारित बघेली भाषा में शानदार प्रस्तुति दी है। तो आइए सुनाते हैं मतदाता जागरूकता गीत। जात पात में मत पड़ना और यूं ही बहक ना जाना, जात पात में मत पड़ना और यूं ही बहक ना जाना। एक बार जो गलती की तो फिर 5 साल पछताना, एक बार जो गलती की तो फिर 5 साल पछताना। क्योंकि वोट डालना है, क्योंकि वोट डालना है हुनकार के समान, इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान, इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान। मेरे देश के भाई बहनों, मेरे देश के भाई बहनों, अब सुन लो ध्यान लगा, इस चुनाव में कीजिए
अपने मत का दान। बहुत जरूरी काम हो मतदान के बाद ही जाना, बहुत जरूरी काम हो मतदान के बाद ही जाना। धन दौलत के लालच में तुम किसी के ना आ जाना, धन दौलत के लालच में तुम किसी के ना आ जाना। क्योंकि अपना ही तो मत है, क्योंकि अपना मत ही तो है अपना स्वाभिमान। इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान, इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान। क्योंकि अपना मत ही तो है, क्योंकि अपना मत ही तो है अपना स्वाभिमान। इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान, इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान। मेरे देश के भाई बहनों, मेरे देश के भाई बहनों, अब सुन लो कान लगा, इस चुनाव में कीजिए अपने मत का। सर्व सुविधा युक्त मैरिज गार्डन नौढ़िया में सीधी शहर से समीप बीआरएस पैलेस नौढ़िया आधुनिक सुविधाओं से है परिपूर्ण। संजय गांधी कॉलेज सीधी से मधुरी मार्ग गोदाम से पूर्व ट्राइबल हॉस्टल के समीप संचालित है मैरिज गार्डन नौढ़िया। मैरिज गार्डन नौढ़िया सर्व सुविधा युक्त मैरिज गार्डन नौढ़िया में सीधी शहर से समीप बीआरएस पैलेस नौढ़िया आधुनिक सुविधाओं से है परिपूर्ण। जी हाँ, शहर से सुंदर और सस्ता यहाँ पर शादी, तिलक, सालगिरह, बर्थडे पार्टी, मीटिंग सहित सभी शुभ उत्सव हित संपर्क करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी राहुल नामदेव धोटे की अध्यक्षता में आज समय सीमा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को समय सीमा पत्रों के समय पर निराकरण के आदेश दिए गए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। सीओ जिला पंचायत द्वारा समय पर सीएम हेल्पलाइन के और शिकायतों के निराकरण के आदेश दिए गए। की मांग कर रहे हैं, तो ये सब मांग आधारित है। मांग आधारित शिकायत अगर अभी तक किसी ने नहीं दिया हो तो वो भेज दे, और जिन्होंने पुरानी शिकायतें वो अभी भेज दे आज और कल में, ताकि आप लोग अगले मंडे को सब लोग टीम में आ जाओ, जिनकी जिनकी मैक्सिमम शिकायत है वो सभी जान दे। अनंत पाली क्लिनिक, अनंत पाली क्लिनिक सीधी में हर रविवार को योग्य और अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा विभिन्न रोगों का इलाज। एमबीबीएस डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर आशीष घनघोरिया हर रविवार और डॉक्टर एमके महेश्वरी हर माह के अंतिम गुरुवार को सीधी के अनंत पाली क्लिनिक में देंगे परामर्श और करेंगे समुचित उपचार। अधिक जानकारी के लिए LIC ऑफिस के सामने कलेक्ट्रेट रोड स्थित अनंत मेडिकल स्टोर से संपर्क करें और पाएं विभिन्न बीमारियों से निजात। सीधी नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी में ओबीसी कोटे से समाज सेवी राहुल वर्मा की माता श्रीमती उत्तरा वर्मा की प्रबल दावेदारी है, किंतु सर्वप्रथम पार्षद बनना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। युवा समाज सेवी राहुल ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि यह सब सीधी विधायक के ऊपर निर्भर है। राहुल, आपकी माँ, जब अगर सीधी में ओबीसी की बात आती है, ओबीसी महिला की बात आती है, तो आपकी माँ लंबे समय से यहाँ पे समाज सेवा में जुटी हुई है, और आज समय जब सामने आ गया है कि उसका लाभ मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपकी माँ इसके उम्मीदवार के रूप में सामने आ रही है, क्या कहेंगे? हम ऐसा कोई बात नहीं है, जो प्रतिनिधित्व चाहेगा, जो हमारे सीएस मंडल चाहेंगे, हमारे माननीय विधायक जी चाहेंगे, वो उसी वैसे ही कार्य होगा।
अभी तो फिलहाल हम पार्षदी के लिए अपने वार्ड से पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं और वही तैयारी में लगे हुए हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और आगे आने वाले भविष्य के गर्द में छुपा हुआ है क्या होगा, लेकिन हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है न ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है। हमारी महत्वाकांक्षा सिर्फ इतनी है कि हम अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करें और जो हमारे शीर्ष कहेंगे वैसा कार्य करें। तो आज की स्थिति जो कुल मिला के नगर पालिका परिषद सीधी की है तो ओहा पोह की स्थिति तो ज़रूर कायम है, लेकिन जब हम लोगों ने इसे बात किया तो स्थिति सामने आ रही है कि नगर पालिका परिषद सीधी जो अध्यक्ष पद है तो अभी तो पहले पार्षदों के चुनाव होने हैं, पार्षद निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष पद के चुनाव होने हैं, लेकिन फिलहाल जो अभी स्थिति है सोशल मीडिया में जो आधिकारिक पत्र वायरल हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो पुष्ट है और सीधी नगर पालिका परिषद सीधी अध्यक्ष का पद कहीं न कहीं ओबीसी महिला के कोटे में जाएगा। आपके शहर सीधी में सारथी प्रेस द्वारा पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव प्रचार सामग्री फ्लैक्स बैनर बुलेटिंग पंपलेट और पोस्टर की सर्वोत्तम क्वालिटी उचित दाम और समय पर प्रिंटिंग का कार्य किया जा रहा है। ऑर्डर और बुकिंग प्रारंभ है। ऑर्डर बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें सारथी प्रेस पटेल पुल के पास सीधी मध्य प्रदेश।